अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमने दीन वाले बंदे को कभी भी प्रमोट नहीं करना होता है। इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर कोई जायज़ जिसको दीन का पता ना हो, दीन से गाफिल, उसको हमने प्रमोट भी करना होता है, वायरल भी करना होता है। आपके सामने दो मिसालें मैं रखता हूँ। अभी कुछ देर पहले वो एक बच्चा, मुझे तो पता नहीं हुआ किस शहर का, किसी देहात का था, तो वो जिसको हमने मुर्गी चोर वाले का नाम दिया, वो पुलिस वाले को मुर्गी चोर का बता रहा था, तो उसको हमने यानी इतना वायरल किया। मुख्तलिफ जो चैनल वाले थे उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, इसके अलावा जो प्रोग्राम वाले थे उन्होंने अपने प्रोग्रामों के अंदर बुलाया, और उस बच्चे को ये नहीं बता रहे कि बड़ों के साथ कैसे यानी अदब के साथ बात करते हैं, बल्कि उसको बदतमीज बना रहे हैं। और यानी बड़ों के साथ वो मजाया अंदाज के साथ यानी गुफ्तगू कर रहे हैं, और बड़ों को पता नहीं क्या क्या वो कह रहा है। यानी 3-4 साल का बच्चा है, उसको तो पता नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे यानी बात करते हैं, और जो प्रोग्रामों वाले और जो चैनल वाले हैं वो अभी से यानी उसको जुगते सुनाना सिखा रहे हैं कि जुगते कैसे सुनाए जाते हैं। यानी अभी 3-4 साल का बच्चा है, उसकी जिंदगी अभी यानी खराब कर रहे हैं, और तरह तरह के यानी उससे सवाल गंदे पूछे जा रहे हैं। और उसको वायरल करने वाले कौन थे? हम लोग, अवाम। हम लोगों ने उसकी वीडियो शेयर ही इतनी की कि वो यानी वायरल इतना हो गया, और प्रोग्रामों वाले और मुख्तलिफ चैनल वाले उसके घर पहुंच गए। इधर तेरे पेंडे सब तू ढेर प्यार कौन करेंदा? मेरी एक पुफी सामा। अच्छा, ते मामे ने प्यार करदे तेरे नाल? मामे शामे निकल गए। नहीं करदे। अच्छा, इधर कभी खरगोश रखे नहीं? तेरा चोर सर को कुत्ता चोरी तेरी मुर्गियां करके लै गया। अच्छा, इसके दूसरी तरफ ये बच्चा देखे, एक बिन्नी बच्चा, 4-5 साल उसकी उम्र है, और एक यतीम बच्चा है, और बड़ों की तरह यानी स्कॉलरों की तरह तकरीर कर रहा है, बयान कर रहा है, और नाद भी पढ़ रहा है कि कैसे यानी दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन इसकी वीडियो को हमने किसी ने भी शेयर नहीं किया, क्योंकि दीन में क्या है, दीन में तो कुछ रखा ही नहीं है। क्योंकि जो इस्लामिक वीडियो होती वो तो हमने देखनी नहीं होती, या सामने आए तो हमने उसको इग्नोर कर देना होता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا مال آگے پیسہ آگے ان کی کر دے الذي جمع مالا وعددا نالے دتیاں رکھی جاندے نالے گنی جاندے 1 لاکھ ہو گیا 2 لاکھ ہو گیا 3 لاکھ ہو گیا نالے دتیاں رکھی جاندے نالے گنی جاندے اٹی گندی عادت پیسے گن دتی ہر ویلے گنی جاندے تاکہ نماز پڑھدا وی گنی جاندے فرمایا الذي جمع مالا وعددا ये पहली बार काम नहीं हुआ, हर साल हम ऐसा यानी काम करते हैं, किसी ना किसी को प्रमोट करते हैं। पहले वो टिकटॉक करते याद 3-4 साल पहले, वो यानी ये मैं हूँ और ये फलां हूँ, पता नहीं क्या क्या उसको हमने प्रमोट किया। फिर वो अख्तर लावा साहब आए, पिछले साल हमने वो उस्ताद कमर चूहे वाले को वायरल किया। यानी ऐसे लोगों का हम यानी वायरल कर रहे हैं, लेकिन जो इस्लामी हीरो हैं, जो असल हीरो दीन के अंदर गिने जाते हैं, उनको हमने कभी यानी देखा ही नहीं है, उन पर कभी नजर डाली नहीं है, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। जो असल यानी हमारे हीरोज हैं, जो हमारे असल लीडर हैं, उनको कभी भी हमने प्रमोट नहीं किया। लेकिन एक बात याद रख ले, जब आप ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे ना, तो फिर जो हुक्मरान है वो भी आपको उस्ताद कमर चूहे वाले जैसे मिलेंगे, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि हम भी ऐसे गंदे हुक्मरान आ गए। जब हमने ऐसे लोगों को, गंदे लोगों को प्रमोट करना है, तो हमारे ऊपर अल्लाह ने मुसल्लत भी ऐसे लोगों को ही करना है।
हम ना खुद दीन सीखते हैं और ना ही दीन सीखने वालों को प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल हम दीन वाले को कुछ समझते नहीं। हम कहते हैं जो गरीब लोग है ना उनका काम ये यानी दीन सीखना, लेकिन एक बात याद रख लें जो दीन है ये बड़े लोगों का काम है, ठीक है ना। बहादुर लोग ये आम लोग जो होते हैं वो दीन नहीं सीख सकते। आप डॉक्टर जाकर नायक देख लीजिए, जहाँ भी जाते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। किस वजह से इकट्ठे होते हैं? क्या वो MBBS डॉक्टर है या कोई साइंसदान है या कोई इंजीनियर है? ना भाई ना, वो दीन के खादिम है, दीन के एक मुबल्लिग है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत लाखों लोगों के अंदर डाल दी। लेकिन हम समझते हैं कि अगर हम दीन पढ़ेंगे, दीन को फॉलो करेंगे तो हमें यानी कोई सुनेगा ही नहीं, हमें कोई प्रमोट ही नहीं करेगा। और जनाब जब आप लोग दीन को फॉलो करेंगे, दीन को पढ़ेगो, अल्लाह आपको वायरल करेगा, अल्लाह आपको प्रमोट करेगा। डॉक्टर जाकिर नायक के बेटे ने कल का जुमा लाहौर के अंदर रावी रोड पर मरकजी जमात अहले हदीस के मरकज के अंदर पढ़ाया और जितने भी यानी बड़े उलमा थे, बड़े मशाइख थे, उन्होंने उसके पीछे जुमा पढ़ाया। कहीं जुमा नहीं पढ़ाने गए हैं, ये होती है एक दीन वाले बंदे की यानी इज्जत होती है। बड़े बड़े यानी उलमा सोएब अहमद मीर मोहम्मदी जैसे, सनेतर साजिद मीर जैसे, हाफिज अब्दुल करीम जैसे, अलामा इब्तिसाम ज़हीर जैसे, इतने बड़े यानी आलम दीन, उन्होंने उनके बेटे के पीछे यानी नमाज जुमा अदा की। जो खुद पाकिस्तान के बड़े आलम दीन थे उन्होंने उनके बेटे के पीछे नमाज पढ़ी। किस वजह से? क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर उनके बेटे की मोहब्बत डाल दी थी। इसलिए दीन को फॉलो करें, दीन को सीखें। जब हम दीन को खुद सीखेंगे, दीन वालों को प्रमोट करेंगे, फिर हम खुद भी तरक्की करेंगे, मुल्क है वो भी तरक्की करेगा और हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली भी आएगी।